हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, अभी तक की क्लासेस में हमने डिटेल में समझा क्या होता है ऑफर और सीखा एक्सेप्टेंस क्या होती है। आज की क्लास में हम करेंगे एग्रीमेंट और साथ ही देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे इजेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाती हैं, या कितने तरह के हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम करेंगे क्लास में डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीमेंट को डिफाइन करता है बेटा सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो बोलता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी एवरी प्रोमिस, सबसे पहले एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? प्रोमिस होनी चाहिए। चलिए समझते हैं इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेटा पढ़ो एक बार डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन बोलती है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी सबसे पहले अगर एग्रीमेंट है तो क्या होना चाहिए? प्रोमिस। तो बेटा याद करो एक बार, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनती है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है हमारा प्रॉमिस। तो अगर हम कहें कि सर प्रॉमिस, प्रॉमिस ही क्या बन जाता है? एग्रीमेंट, तो क्या ये गलत होगा? आंसर इज नो, ये गलत नहीं होगा। यानी एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर को जब मिल जाती है एक्सेप्टेंस, तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं एग्रीमेंट्स के, कि एग्रीमेंट्स किस तरह के होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एक हस्बैंड का। एच है मिस्टर एच हस्बैंड और डब्ल्यू है इनकी वाइफ। हस्बैंड को याद है अब की बार की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, और पिछली बार क्या हुआ था वो डेट भूल गए, तो उनके घर में क्या हुआ था वो हस्बैंड को अच्छी तरीके से याद है। तो इसलिए मैरिज एनिवर्सरी आने से कुछ दिन पहले ही वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हें एक गोल्ड का नेकलेस देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? गोल्ड का नेकलेस। क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? तो इस केस में अगर कोई भी वाइफ होगी तो ऑब्वियसली यस बोलेगी। ऐसी कौन सी वाइफ होगी कि हस्बैंड अगर उन्हें गिफ्ट करने जा रहा है नेकलेस और वो मना कर दे? तो इस केस में भी वाइफ ने बोला हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो याद करो बेटा, प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे याद करो, हस्बैंड ने क्या दिया? हस्बैंड ने क्या किया? हस्बैंड ने किया ऑफर, ऑफर दिया उसने वाइफ को, और वाइफ ने क्या किया? वाइफ ने कर लिया उसे एक्सेप्ट। ठीक है बेटे, इतना समझ आया। चलिए अब आगे की कहानी सुनिए। आगे क्या हुआ? शाम को जो है हस्बैंड घर पे आते हैं और वो भूल जाते हैं नेकलेस लाना अपनी वाइफ के लिए। तो इस केस में अब वाइफ जाती है भड़क, वो कहती है कि हां तुम मेरे लिए नेकलेस नहीं लेके आए, अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। क्या करूंगी? अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। तो जरा लगाइए दिमाग इस एग्जाम्पल में और सोचिए क्या इसमें केस हो पाएगा या नहीं। हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं एक पर्सन की जिसका नाम है अनुराग। अनुराग के पास है एक कार जिसका प्राइस है 2 लाख रुपए। ठीक है। और दूसरे पर्सन है आकाश। अनुराग आकाश को ऑफर देते हैं कि क्या वो उनकी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहेंगे। तो आकाश बोलते हैं ठीक है मैं खरीद लूंगा, लेकिन ये गाड़ी जो है मैं कल सुबह खरीदने आऊंगा, आप इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे और जो गाड़ी की कीज वगैरह होंगी वो संभाल के रखिएगा, मैं सुबह 9 बजे आपके पास आता हूं। ठीक है बेटा। अब जो अनुराग थे इस केस में उन्होंने क्या दिया? आकाश को ऑफर दिया, बिल्कुल ठीक। और आकाश ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, ये भी ठीक। यानी अग्रीमेंट दोनों केसेस में हो गया, एग्जाम्पल 1 में भी एग्जाम्पल 2 में भी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू अग्रीमेंट, हमने ये पढ़ा। ठीक है सर, अग्रीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? सुबह 9 बजे अनुराग वेट करते रहे बट आकाश नहीं आए। अनुराग ने उन्हें फोन किया कि आप जो है हमारा जो अग्रीमेंट हुआ था आप गाड़ी खरीदने वाले थे, आकाश ने मना कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं खरीदना चाहता। तो उस केस में क्या होगा? क्या अनुराग इस केस में आकाश को सू कर सकते हैं, यानी कोर्ट में उनके अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं या नहीं?
सोचते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट नेक्स्ट एक है पर्सन ए और दूसरे हैं बी। अब होता क्या है, दोनों कैजुअल फ्रेंड्स हैं, काफी दिनों बाद मिले। ए ने बोला बी से कि बी कैसे हो तुम, काफी दिनों बाद मिले, आओ कभी घर पे चाय कॉफी पीते हैं। तो बी ने जवाब दिया कि ठीक है मैं आऊंगा घर पे, लेकिन मैं चाय कॉफी नहीं पीऊंगा। मैं आऊंगा तो मुझे कम से कम क्या चाहिएगा, मुझे जो है कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिएगी, मुझे स्नैक्स भी चाहिएंगे, मुझे बिस्किट्स भी चाहिएंगी, मुझे चाय भी चाहिएगी और मुझे लंच भी चाहिएगा। और लंच में जो मैं खाता हूं वो खाता हूं मैं शाही पनीर और बटर नान। तो इस केस में ए ने बोला ठीक है बिल्कुल हम रेडी रखेंगे, आप बताएं कब आएंगे। बी ने बोला कि ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। तो इस केस में ए ने ऑफर दिया था कि आए आप हमारे यहां लंच करें, तो ऑफर जो था ए ने दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, यस सर एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में भी ये एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। अब अगले दिन क्या होता है, बी लंच पर नहीं आता और ए ने जो थी वो सारी तैयारी करके रखी हुई थी, उसने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स टी कॉफी वगैरह शाही पनीर बटर नान सब कुछ तैयार करके रखा था, बट बी नहीं आया। इस केस में ए को आया गुस्सा, वो हो गया आग बबूला और बोलने लगा कि ठीक है ये नहीं आया, इसकी वजह से मेरा हुआ है नुकसान, तो मैं इसके ऊपर करूंगा केस, यानी मैं बी को करूंगा सू। तो क्या इस केस में ए सक्सीड हो जाएगा, सोचिए। तो बेटा आप इन तीनों क्वेश्चन के जरा आंसर सोचते रहिए, मैं आपसे एक अगला पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूं। यह हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था गोल्ड नेकलेस हस्बैंड और वाइफ वाला, और सेकंड एग्जाम्पल था कार वाला, और थर्ड एग्जाम्पल था इनविटेशन दिया था उसने कि घर पे आए। ठीक है, एक बात जरा बताएं मुझे बेटा, जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था हस्बैंड और वाइफ का, आपस में इनका एग्रीमेंट हुआ था, घरेलू एग्रीमेंट था। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें बेसिकली कौन से एग्रीमेंट्स कहा जाता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। क्या नाम दिया जाता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट एग्रीमेंट था हमारा पैसे से रिलेटेड, कार बेच रहा था अनुराग और आकाश ने वो गाड़ी खरीदने के लिए एक्सेप्ट तो कर ली थी बट खरीदने नहीं आया था। तो यूजुअली ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये अग्रीमेंट जो होते हैं ये कहलाते हैं कमर्शियल अग्रीमेंट्स। कौन से कहलाते हैं बेटा, कमर्शियल अग्रीमेंट्स। ठीक है, इतना समझ आ गया, यस सर इतना समझ आ गया। नेक्स्ट जो था हमारा एग्जाम्पल, उसमें ए ने बी को इनवाइट किया था कि आए आप लंच करें। यूजुअली जो ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं सोशल अग्रीमेंट्स, सोशल अग्रीमेंट्स। यहां तक हमें एग्जाम्पल समझ आ गया, एच हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड ने दिया ऑफर एक्सेप्ट हो गया बट उसे वो पूरा नहीं कर पाया। अनुराग और आकाश, अनुराग ने दिया ऑफर और आकाश अपनी एक्सेप्टेंस देके वो नहीं आया, यानी उसने प्रॉमिस को इसमें तोड़ दिया था। ए और बी, इस केस में भी बी ने अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया था। हमने फिर इन्हें फर्दर डिफाइन किया कि इस नेचर के एग्रीमेंट्स कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन से एग्रीमेंट डोमेस्टिक कमर्शियल या सोशल कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटा बात करें सेक्शन 2E की, अगर डेफिनेशन को तुम ध्यान से पढ़ो तो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये कंसिडरेशन क्या होता है, बात करें कंसिडरेशन की कि ये सर कंसिडरेशन होता क्या है, तो बेटा समझिए कंसिडरेशन वैसे बहुत वाइड टॉपिक है जिसे सेक्शन 2D ने डिफाइन किया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कंसिडरेशन तो वहां मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट आज के लिए समझिए कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न यानी कुछ मिल रहा है बदले में। ठीक है, केस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये चीज अभी भी हमारी पेंडिंग है, एक बार कंसिडरेशन को डिस्कस करके मैं उसी पर आता हूं। तो बात करें बेटा हम पहले एग्जाम्पल की हस्बैंड और वाइफ वाले, तो उस केस में समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए यानी कुछ मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो वाइफ को क्या मिल रहा था, वाइफ को तो मिल रहा था सर गोल्ड नेकलेस, और हस्बैंड को क्या मिल रहा था, हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा था। तो इस केस में कंसिडरेशन थी क्या, सर नहीं इस केस में कंसिडरेशन नहीं थी, क्योंकि कंसिडरेशन जो होनी चाहिए बेटा दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं अनुराग और आकाश। अनुराग अपनी कार बेच रहा था, आकाश जो है वो 2 लाख रुपए में खरीद रहा था। तो अनुराग को कुछ मिल रहा था क्या? यस सर, 2 लाख रुपए मिल रहे थे। और आकाश को मिल रही थी गाड़ी। तो इस केस में क्या कंसिडरेशन है? यस, कंसिडरेशन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है ऑफर दिया था ए ने बी को कि आए उसके घर पर और लंच करे। तो ए को कुछ मिल रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था। बी को कुछ मिल रहा था क्या? नहीं, बी को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो इस केस में भी कंसिडरेशन नहीं है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की कि ये पार्टीज जो थी ये एग्जांपल में एक दूसरे को सू कर सकती थी या नहीं। तो बेटा उसे समझने से पहले एक पॉइंट आता है, वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यानी पार्टीज की इंटेंशन थी क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की? तो सेक्शन 10 बताता है बेटा, जब हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सेक्शन 10 बोलता है कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं या सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें एक प्रेजम्पशन होती है, वो ऑलरेडी प्रेज्यूम कर लिया जाता है कि इन केसेस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं होती। ये लॉ प्रेज्यूम करके चलता है, वो मान के चलता है, अनलेस अगर जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो। अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि पार्टीज की इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो उस केस में बेटा ये केस जो है कोर्ट में जा सकता है और वहां पार्टी एक दूसरे को सू कर सकती है। तो प्रेजम्पशन जो है हमारी क्या है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में, कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसमें कोई भी पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो इस केस में बेटा ये सू नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है अनुराग और आकाश, कमर्शियल एग्रीमेंट में ये प्रेजम्पशन होती है, कोर्ट मानती है कि इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, तो इस केस में जो है पार्टी सू कर सकती है। ठीक है बेटा, तो आकाश अनुराग के केस में अनुराग जो है आकाश पर केस फाइल कर सकते हैं कि वो नहीं आए गाड़ी खरीदने, उन्होंने अपना प्रॉमिस जो था वो ब्रीच कर दिया यानी तोड़ दिया। नेक्स्ट सोशल एग्रीमेंट, जैसा कि हमने बात की थी कि सोशल एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, यानी प्रेजम्पशन होती है कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस केस में भी वो क्या होगा सू नहीं कर सकता। इतनी बात समझ आ गई बेटा, हमें समझ आ गया एग्रीमेंट क्या होता है। आइए बेटा अब डेफिनेशन को पढ़ें। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो क्या करे कंसिडरेशन फॉर्म करे ईच अदर एक दूसरे के लिए, वो हो जाता है हमारा एग्रीमेंट। ठीक है बेटा, एग्रीमेंट समझ आ गया कि एग्रीमेंट होता क्या है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो बोलता है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल कराया जा सकता है लॉ के थ्रू वो क्या बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्ड आता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि इन केस अगर दोनों में से कोई एक पार्टी डिफॉल्ट करती है या ब्रीच करती है, उस केस में जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी को मजबूर करा सके, उसे मजबूर करा सके कि वो अपना जो पार्ट है उसे पूरा करे, एग्रीमेंट में जो उसका पार्ट है उसे परफॉर्म करे। और ये मजबूर कहां से कराया जाता है? बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट के द्वारा अगर वो मजबूर करा सकता है उसे, तो ये बन जाता है एनफोर्सिंग। ठीक है बेटा समझ आ गया, यानी एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एनफोर्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इनकेस कोई पार्टी एग्रीमेंट में अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करती या ब्रीच करती है, तो उस केस में सेकंड पार्टी जो है वो फर्स्ट पार्टी को एनफोर्स करा सके कि वो अपना जो पार्ट है पूरा करे। ये कहलाती है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ वो क्या बन जाए, वो कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बात करें हमारे एग्जाम्पल की, तो हमारे एग्जाम्पल में कौन से जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है? कमर्शियल एग्रीमेंट हमारे केस में था, ये एनफोर्सिबल भी हो सकता था लॉ के थ्रू, तो इसलिए क्या बन गया था? ये था बेटा कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट था क्या उसे हम एनफोर्स करा सकते थे? नहीं करा सकते थे सर, इस वजह से ये नहीं बन पाया कॉन्ट्रैक्ट। सोशल एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते थे? नहीं करा सकते थे सर, इस वजह से ये भी नहीं बन पाया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिबल होता है लॉ के द्वारा। इतनी बातें समझ आ गई हमें, एग्रीमेंट भी समझ आ गया, कॉन्ट्रैक्ट भी समझ आ गया।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मीनिंग, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वो क्या हो जाता है? हमारा एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, यानी एग्रीमेंट के साथ अगर लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप, किसका स्कोप बड़ा है, एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का? अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या पहले एग्रीमेंट होते हैं, तो आंसर इज यस, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं? आंसर इज नो, नहीं बन पाते। तो स्कोप किसका बड़ा हुआ बेटा? स्कोप बड़ा हुआ हमारे अग्रीमेंट का, क्योंकि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है और अग्रीमेंट भी रह सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहा है तो उसे पहले एग्रीमेंट बनना पड़ेगा, एग्रीमेंट तो बनना ही बनना है। तो उस केस में किसका सेंस, किसका स्कोप बड़ा है? सर स्कोप बड़ा है हमारे अग्रीमेंट का। इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। इसमें जो है ये वाइडर टर्म है क्योंकि इसमें इंक्लूड होती है बोथ लीगल, लीगल इंक्लूड हो जाएंगे तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इंक्लूड नहीं होगी तो रह जाएगा सोशल एग्रीमेंट। इट इज यूज इन नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट। ये बहुत ही नैरो सेंस में यूज होता है, कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब क्या है? अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। नेक्स्ट, लीगल ऑब्लिगेशन। अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंडीशन मैंडेटरी होती है कि हर अग्रीमेंट को लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसे एनफोर्सिबल बनना पड़ेगा, तभी वो क्या बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, चलिए। नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसा कि हमने बात की, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब बात करते हैं एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं? तो बेटा सेक्शन 10 ने जो डिफाइन किए हैं वो 6 पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं। बेसिकली उसने बताया हुआ है कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें क्या क्या एसेंशियल्स होनी चाहिए। फर्स्ट उन्होंने बताया कि अग्रीमेंट होना चाहिए वो, फिर पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज की, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो वॉइड नहीं होना चाहिए। साथ ही सेक्शन 10 ने जो बातें नहीं डिफाइन की वो भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने में, वो है टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उन पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वहां वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उन्हें लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बेटा जो सेक्शन 10 ने नहीं बताए। 5 पॉइंट्स है, फटाफट से आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टू पार्टीज। एक पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना ही एक पर्सन खुद बायर हो सकता है और सेलर हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट का होना ऐसा जरूरी नहीं नेचुरल पर्सन ही उसकी पार्टी बने, जो नेचुरल पर्सन नहीं है वो भी उसकी पार्टीज बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारी जो पार्टीज हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इस केस में ये पार्टीज जो है बट नेचुरल नहीं है, तो अदर देन नेचुरल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक केस लॉ आया था गुजरात में, गुजरात वर्सेज रमनलाल एस एंड कंपनी का। इस केस में क्या हुआ था बेटा, एक फेमस जजमेंट निकल के आई थी कि जो पार्टीज हैं वो दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इस केस में हुआ क्या था बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म थी और जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो जो असेट्स थी फर्म की वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। इस बात का पता चला एक सेल्स टैक्स ऑफिसर को, तो जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था उसने बोला कि इस ट्रांजेक्शन में हुई है सेल, इसलिए इसके ऊपर लगना चाहिए सेल्स टैक्स। फर्म के जो पार्टनर थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये सेल्स टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो पार्टनर्स थे, हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं फर्म का, और जो पार्टनरशिप फर्म के पास असेट थी हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें कोई सेल नहीं हुई। डिस्प्यूट अराइज हुई तो केस पहुंचा कोर्ट में, और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंट ऑनर हैं असेट के, वो बायर और सेलर नहीं है, और इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, और ये कहा गया कि ये सेल नहीं है, यानी कोई भी सेल्स टैक्स उस ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि पार्टीज कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज मस्ट बी देयर। सेकेंड,
पार्टीज मस्ट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टीज की जो इंटेंशन होनी चाहिए वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की होनी चाहिए। अभी हमने एग्जाम्पल किया था हस्बैंड और वाइफ वाला, और एक सोशल एग्रीमेंट का किया था। तो उस केस में जो सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें इंटेंशन नहीं होती पार्टीज की वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। इसी बात को अफर्म किया था कोर्ट ने, एक केस आया था बालफर वर्सेस बालफर। हुआ क्या था इस केस में बेटा, एक वाइफ थी, वाइफ को हस्बैंड ने अग्री किया कि हाँ वो ठीक है, उन्हें मेंटेनेंस के पैसे जो है हर महीने दे दिया करेंगे। ये एक अग्रीमेंट हुआ वाइफ और हस्बैंड के बीच में कि जो हस्बैंड है उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की अमाउंट देंगे। बाद में क्या हुआ, हस्बैंड ने क्या किया, अपनी प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया, उन्होंने मेंटेनेंस देना वाइफ को बंद कर दिया। जब मेंटेनेंस मिलना बंद हो गया वाइफ को, तो उन्होंने जो था हस्बैंड को सू कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में केस पहुंचा तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था वाइफ और हस्बैंड के बीच में, ये सोशल नेचर का अग्रीमेंट था। इस केस में दोनों पार्टीज की कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें, तो इस वजह से वाइफ जो थी वो सक्सीड नहीं हो पाई और कोर्ट ने उनका जो केस था वो डिसमिस कर दिया कि इस केस में हस्बैंड पर कोई भी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं लग सकती कि वो वाइफ को मेंटेनेंस दे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कुछ बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स बनने से पहले कुछ एग्रीमेंट इस नेचर के होते हैं कि अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो वो एक स्पेसिफाइड या सर्टेन फॉर्मेलिटीज के साथ पूरे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उन्हें जब तक वैलिड नहीं माना जाता अगर वो रिटर्न में ना हो, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट बनना उनके लिए जरूरी होता है। दूसरी तरफ हम बात करें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अग्रीमेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो उन अग्रीमेंट्स को आपको क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है अंडर वेरियस लॉज, जो प्रॉपर्टीज के लॉज होते हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उस अग्रीमेंट को हम क्या मानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जो अग्रीमेंट होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, इनडेफिनेट और अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, ए अग्री करता है बी को कि मैं तुम्हें दूंगा तेल 100 टन ऑफ ऑयल्स, यानी कई सौ टन आपको तेल दूंगा, तो इस केस में ये जो अग्रीमेंट बनने जा रहा है ये बेटा सर्टेन नहीं है। कई सौ टन का मतलब क्या होता है, या तो 100 टन या 200 टन, ऐसे डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है वो पॉसिबल होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए अग्री करे बी से कि मैं क्या करूंगा, मैं डिस्कवर कर दूंगा मैजिक से तुम्हारे लिए खजाना। तो ये जो है बेटा ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ना के बराबर है, तो ये वाले ऐसे अग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, चलिए तो ये थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन सेक्शन 10। अब बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो सेक्शन 10 ने डिफाइन किए हुए हैं। तो फर्स्ट इज ऑफर एन एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, यानी सेक्शन 10 की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, अग्रीमेंट। यानी बेसिकली फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट की कि वो अग्रीमेंट होना चाहिए, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है उनका आउटकम निकल के आना चाहिए कि वो अग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट, यानी जो पार्टीज हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, सहमति फ्री होनी चाहिए, वो किसी दबाव में या किसी की डर की वजह से या किसी धोखाधड़ी की वजह से वो नहीं आने चाहिए। जो पॉइंट्स है बेटा इसमें कोएर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये हम आगे चलेंगे जब डिटेल में करेंगे सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, ये डिफाइन करते हैं, इन पॉइंट्स को हम वहां कवर करेंगे। ठीक है बेटा, यानी पार्टीज की कंसेंट क्या है, फ्री होनी चाहिए, वो किसी दबाव में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट साइन ना करें, वो फ्री कंसेंट से होने चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज आ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट करने उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जैसे अगर मैं बात करूं वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, माइनर इन द सेंस वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी वो पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा इसकी एक एक्सेप्शन है, इन केस एक पर्सन है जो साउंड माइंड का है और कुछ देर के लिए वो पागल हो जाता है, तो उस केस में लॉ बोलता है कि जो वो पर्सन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है, जब वो साउंड माइंड का हो, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस समय वो साउंड माइंड का नहीं रहता, पागल हो जाता है यानी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट
सी पॉइंट में बताते हैं नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, यानी किसी और लॉ में उसे डिस्क्वालीफाई घोषित ना कर दिया हो कि ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो ये कहलाती है हमारी कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। सेक्शन 11 इसे गवर्न करता है बेटा, ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा समझें कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ बदले में मिलना, वो कहलाता है कंसिडरेशन। जैसे अगर हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस एग्जाम्पल की कि आकाश और अनुराग, अनुराग अपनी कार बेच रहा था आकाश को 2 लाख रुपए में, तो उस केस में अनुराग को क्या मिल रहा था, अनुराग को मिल रहे थे 2 लाख रुपए, और आकाश को क्या मिल रही थी, आकाश को मिल रही थी कार। तो दोनों पार्टीज के पास कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलने के लिए था, वो कहलाता है समथिंग इन रिटर्न यानी कंसिडरेशन। अब समथिंग जो है बहुत वाइड डेफिनेशन है, जब हम सेक्शन 2D करेंगे तब वहां कर लेंगे कि कंसिडरेशन होता क्या है। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। जो कंसिडरेशन होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनाने चले, ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा, जो उसकी लीगल वैलिडिटी है वो नहीं होगी। देखिए समझिए एक एग्जाम्पल से, सपोज ए प्रॉमिस करता है बी से कि वो क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन जो उसने बी के अगेंस्ट लगाई है रॉबरी की वो हटा लेगा। अगर बी क्या करे, बी प्रॉमिस करे उसे कि वो जितने भी सामान उसने रॉबरी की है वो ए को वापस दे देगा, तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट बनेगा ये वॉइड है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट बनना चाहिए वो वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड नेचर का नहीं बनना चाहिए। जैसे हम बात करें अगर कोई आप अग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं और वो किसी भी लॉ में प्रोहिबिटेड है, सपोज फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है ए एंड बी और वो आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं कि दोनों मिलके सी का मर्डर करेंगे, तो इस केस में ये जो अग्रीमेंट बन रहा है ये बेटा वॉइड है। चलिए बेटा ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे पॉइंट्स जो सेक्शन 10 बताता है कि ये इसेंशियल होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, सेकंड फॉर्मेशन के बेसिस पे, और नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो अगर हम बात करें वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट को 5 बेसिस पर डिवाइड किया है, फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ इज इलीगल एग्रीमेंट्स, एंड लास्ट इज अनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड ऑन 4 पार्ट्स, फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड लास्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एंड द लास्ट वन इज ई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है आपस में उनके टाइप्स हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं डिटेल में, सबसे पहले हाँ है हमारा वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी की बेसिस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जैसा कि हमने बात की 5 तरह के बनते हैं, तो सबसे पहला बात करते हैं, सबसे फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो सारी इसेंशियल कंडीशन फुलफिल कर दे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, तो सेक्शन 2J डिफाइन करता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट इज सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ से एनफोर्सिबल होना बंद हो जाए वो क्या बन जाता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और कब बनता है, जब वो लॉ से एनफोर्सिबल होना बंद हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले, मिस्टर एक्स ने अग्री किया एक पब्लिशर के साथ कि वो उनके लिए एक बुक लिखेगा। अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद मिस्टर एक्स जो थे वो एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा वो वॉइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी अब परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं हो सकती, मिस्टर एक्स ही नहीं रहे, ठीक है बेटा। तो ऐसे नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट इज बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 2I ने डिफाइन किया, क्या बताया, अन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। होता क्या है बेटा, क्या होता है कि जब अग्रीमेंट बनता है तो उस केस में
एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस के पार्ट को अवॉइड कर सके, वो लीगली अवॉइड कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को अवॉइड करना चाहे, तो जब वो ऐसा करता है तो उस केस में जो एग्रीमेंट है वो ट्रीट किया जाता है वॉइडेबल। देखिए ये सिचुएशन कब अराइज होती है, ये सिचुएशन बेसिकली अराइज होती है जब पार्टीज की जो कंसेंट होती है वो फ्री ना हो, यानी किसी एक पार्टी की कंसेंट फ्री ना हो। फॉर एन एग्जांपल, मिस्टर ए एक पर्सन है जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। दूसरे पर्सन है मिस्टर बी जो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं फॉर रुपीज ओनली 50 लाख। तो अब होता क्या है, मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर ए के पास जाते हैं और अपना जो है ऑफर देते हैं, बट इस केस में आमतौर पर ए मना ही कर देंगे क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू है उस इमोबल प्रॉपर्टी की और बी कितने के खरीदना चाहते हैं, 50 लाख का। अब बी क्या करते हैं, बी करते हैं किडनैप मिस्टर ए के लड़के का, और अब किडनैप करने के बाद अब बोलते हैं मिस्टर ए को कि ये जो प्रॉपर्टी है अब साइन कर दो फटाफट से और मुझे 50 लाख में बेच दो। तो इस केस में क्या होगा बेटा, मिस्टर ए भले ही उस अग्रीमेंट पे साइन कर दे लेकिन होगा क्या, मिस्टर ए के पार्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया, यानी वो चाहें तो इसे वॉइड करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, कोर्ट में जाकर हैं। तो ये अग्रीमेंट जो है ये क्या कहलाएगा फिर, वॉइडेबल अग्रीमेंट। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या होता है। आइए जरा डिफरेंस कर लेते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। सबसे पहले समझिए मीनिंग क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एन्फोर्सिबल बाय लॉ होना बंद हो जाए तो वो तभी से क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा जब वो एन्फोर्सिबल बाय लॉ होना बंद हो गया। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अन एग्रीमेंट विच इज एन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एन्फोर्सिबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी एक पार्टीज के ऑप्शन पर क्या है वो एनफोर्सिबल है और दूसरे पार्टी के ऑप्शन पे क्या है, नॉट एनफोर्सिबल, एनफोर्सिबल नहीं है। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल किया था ए और बी का। कॉज, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसिस। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, या तो लॉ में चेंजेस हो गए या सर्कमस्टांसिस हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ने कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, एक दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, वो पर्पज ही खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसे केसेस भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ ए पार्टी वॉज नॉट फ्री। एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब कंसेंट पार्टी की फ्री ना हो। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं हो सकता। इफ द एग्रीव पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन सू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है बेटा, जो एग्रीव पार्टी है अगर अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करती रीजनेबल टाइम पर, ठीक है, एग्रीव पार्टी प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने लिया था उस केस में मिस्टर ए, यानी जो परेशान पार्टी है, जो अग्रीव पार्टी है वो अपना राइट को अगर रीजनेबल टाइम में एक्सरसाइज नहीं करती तो जो दूसरी पार्टी है वो उसे सू कर सकती है और ये सू भी हो जाएगा, इसमें कोई मना ही नहीं है। क्योंकि जब तक मिस्टर ए नहीं बताएंगे कोर्ट में जाके कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इन्होंने किडनैप किया है, तो तब तक क्या होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये वॉइडेबल है या सिंपल एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चलिए। राइट्स, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी राइट नहीं मिलता पार्टी को, सिंपली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है उसके पास राइट होता है, राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैंसिल कर सके उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब बात करते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की, क्या होते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉ के द्वारा फॉरबिड किए गए, यानी जो लॉ के थ्रू मना किए गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। क्या बोलता है लॉ, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड होते हैं बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं कि इलीगल हो। सही है, समझ आया। देखिए समझते हैं, जो इलीगल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं वो वॉइड होते हैं, यानी वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, निरर्थक होते हैं, उनकी कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं होती। बट कुछ एग्रीमेंट जो इनिशियली वैलिड थे बट ऐसा हुआ कि सब्सिक्वेंटली लॉ में चेंज हो गया, बाद में वो इलीगल बन गए, तो उस केस में वो पहले तो वैलिड थे लेकिन बाद में क्या हो गए, इलीगल हो गए। तो उस केस की ये बात करता है कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ठीक है बेटा, चलिए एक एग्जाम्पल दिया है इस केस में।
कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल. वो कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल होते हैं या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं वो इलीगल होते हैं नेचर में. इफ आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट. अगर आर एस के साथ अग्री करता है कि मैं ब्राउन शुगर खरीदूंगा तो ये इलीगल एग्रीमेंट होगा. ठीक है बेटा, समझ गए? तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास. अब आप करिए इसका रिविजन. इनकेस आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.